एंड थर्डली इट हैजू बी कल्चरली एक्सेप्टेबल बट वट डज दीज थ्री थिंग्स मीन सो लेट एस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल सो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर हमें पता करना है कि हमारे कंट्री में गोल्ड कहाँ पर अवेलेबल है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले मशीन्स यूज करने पड़ेंगी ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये गोल्ड एवेलेबल है कहाँ पर देन वी हैव टू गेट द मशीनरी उस गोल्ड को उसमें से डिग आउट करने के लिए दैट मीन्स इट हैज़ टू बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेबल कोई भी चीज़ रिसोर्स तभी बनती है जब हम उससे हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एवरी डे लाइफ से भी देखें तो अगर आप हम सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं बट अगर हम अपना स्मार्टफोन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे दें और उन्हें उसे चलाना ही ना होता हो या उसे यूज़ करना ही ना होता हो तो वो उनके लिए एक्सेबल नहीं होगा सो so, एनी थिंग टू बिकम अ रिसोर्स किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट से लेके रिसोर्स कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकेंडली इट हैज़ टू बी इकनॉमिकली फीजिबल कि हमें उस चीज़ की कोई इकनॉमिक वैल्यू हो या फिर हम उस चीज़ को किसी आ, आ, किसी तरीके से उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें जैसे गोल्ड है अगर हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं तो माइनर तभी माइन करेगा अगर उस एरिया में से काफ़ी सारा गोल्ड उसे मिलेगा ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो करोड़ की मशीनरी यूज़ कर लें या दो करोड़ अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दें बट जो प्रॉफिट है वो सिर्फ फ्यू थाउजेंड्स का ही हो तो इट हैज़ टू बी इकोनॉमिकली फिजिबल वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद होना चाहिए इट कुड बी एनी थिंग वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ आयरन अगर हम आयरन को भी डिक करते हैं तो हमें मशीनरी चाहिए होती है फिर आयरन की भी वैल्यू है क्योंकि देखो हमारे घर में आसपास सारी चीज़ें आयरन या एलूमिनियम या स्टील की ही बनी होती हैं चाहे वो हमारा फ्रिज हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर कार्ज हों बसेज हों जो रोड पर चलती हैं पिलर्स हैं हमारे घर का भी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी आयरन का काफ़ी यूज़ होता है देन अनदर थिंग इज दैट फॉर एनी थिंग टू बिकम अ रिसोर्स इट ऑल्सो हैज टू बी कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब सोसाइटी में उस चीज़ की कोई वैल्यू होनी चाहिए गोल्ड कैदिंग को तो सिर्फ एक पत एक मेटल है ठीक है एक रैंडम एक मेटल है बट क्योंकि सोसाइटी ने उसे प्रेशियस मेटल माना है कि सोसाइटी ने उसको कोई वैल्यू दी है कि हम इसे एज अ ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं इसलिए गोल्ड को हमने एक कल्चरली एक्सेसिबल एक रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं ऐसे हमें आयरन का क्योंकि नीड है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है कि हमें उससे कार्स बनानी है मशीन्स बनानी है उसका यूज़ करना है तो सोसाइटी में उस चीज़ की कोई ज़रूरत है इसीलिए वो एक रिसोर्स है एक कल्चरली अनएक्सेप्टेबल रिसोर्स क्या होगा जैसे हम देखें रिसेंट सोसाइटी में कि हम लोग प्लास्टिक बैग्स यूज़ करना बंद करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर होते जा रहे हैं तो कुछ सोसाइटी में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट में लोगों ने प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लोथ बैग यूज़ करना यूज़ कर दिया है या फिर पेपर बैग्स यूज़ करना आ, स्टार्ट कर दिया है तो इस वजह से जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल होते जा रहे हैं टाइम के साथ ना लेट्स लुक गेट द इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनस सो हमें कोई भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल लेना होता है नेचर से ठीक है तो अगर जैसे हमने अभी गोल्ड की भी बात की तो हमें ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने रॉ मटीरियल लिया उसे नेचर से एक्सट्रैक्ट किया माइंड किया फिर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको एक तो माइंड किया देन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके हम उसे इंस्टीट्यूशन तक ट्रांसपोर्ट कर कर लेकर गए ठीक है इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स मतलब फैक्ट्रीज तो हम जब उसे फैक्ट्रीज़ में लेकर गए तो वहाँ पर हमने उसको यूज़ करके उससे ज्वेलरी बनाई सो ह्यूमन बींग्स देम सेल्वस आर अजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्स इन स, इस पूरी प्रोसेस के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ह्यूमन बींग्स का रोल क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही हैं जो कि टेक्नोलॉजी को बनाते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वही उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं आते इंस्टीट्यूशंस वो भी होते हैं जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनमें हम लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि आप रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करेंगे सिर्फ नेचर में चीज़ अवेलेबल होने से काफ़ी नहीं है हमें उन चीज़ों को अपने तक लेकर आना होता है और उन चीज़ों को लोगों को यूज़ कैसे करना है ये भी बताना होता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लें अपने आस के एरिया से कि पेपर पेपर हम सब यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में हमारी टेक्स्ट बुक्स भी पेपर की बनी होती हैं तो जो ट्रीज़ हैं ट्री हमें पता है पेपर वुड से आता है तो उस वुड को कट करने के लिए भी सबसे पहले हमें कोई एक्स या कोई मशीन चाहिए होती है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी देन वी टेक दैट वुड टू द फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और वहाँ इंस्टीट्यूशन फैक्ट्री में जाके उस वुड को कन्वर्ट किया जाता है पेपर में सो दैट इज़ हाउ फिजिकल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द मेन कॉम्पोनेंट द पर्सन द ह्यूमन्स आर द मेन कॉम्पोनेंट जो इन चीजों से इंटरक्ट करके इन्वायरमेंट uh, में जो मटेरियल अवेलेबल है उसको रिसोर्सिस में कन्वर्ट करते हैं नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सिस रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेनटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी यूजली बिलीव की जो रिसोर्स हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर है कि हमें रिसोर्स फ्री में मिल रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम ले सकें ले लेते हैं तो इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव बिकम वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी उन लोगों ने रिसोर्स को uh, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से इन्वामेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लग गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओजोन डिप्लिशन ग्लोबल वार्मिंग और इन सब क्राइसिस की वजह से आ, क्या हो रहा है कि बहुत सारे लो, आ, लोग हैं और बहुत सारे हमारे फ्लोरा और फोना हैं दे आर सफरिंग ऑन दी अदर हैंड बिकॉज़ हम बहुत सेल्फिशली इन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं अपने रिसोर्सेज को बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल लें फॉसिल फ्यूल्स का हमें पता है कि हमारा पेट्रोल और हमारा जो कोल का रिसोर्स है दैट इज़ कमिंग टू एन एंड बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड बट वी आर यूजिंग इट एट सच अ फास्ट रेट दैट द सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो इसकी वजह से जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गई है द रिच एंड द पुअर जो रिच लोग हैं उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और जो पुअर लोग हैं उनके पास Uh, बिल्कुल भी रिसोसेज़ नहीं है उनके पास बेसिक खाने के लिए खाना नहीं है क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए और पहनने के लिए एग्जैक्ट कपड़े भी नहीं है इसलिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करना है और रिसोर्स प्लानिंग ऐसे करनी है कि हर सिटीज़न को हमारे कंट्री के हर एक तरीके का जो उसका नीड है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स अवेलेबल हो इसके लिए हम लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी मैम अभी आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मैम इस शब्द से हम सभी वाकिफ़ हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं इसका मीनिंग क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या कुछ इसके अंदर आता है जी मैम सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेसिकली द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट दैट दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है जिससे कि हम प्रेजेंट का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखें और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल रह सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कर लिया है उन्हें कि अब वो बहुत लिमिटेड होने की वजह से ऐसा डर लगने लगा है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हमने क्या किया है क्लीन एनर्जी की तरफ इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो हम लोग सोलर पावर विंड एनर्जी अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे हेल्दी रहे और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट रहें या अवेलेबल रहें नाउ देर वॉज दिस कॉन्फ्रेंस इन रियो डी जनारियो अर्थ समिट दिस वॉज हेल्ड इन ब्राजील इन नाइनटीन टू जिसमें सौ से भी ज़्यादा स्टेट्स आ, या लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज से और ये ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी जिसमें क्या जो हमारे ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं उनसे डील करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी the assembled leaders signed the declaration on global climate change and biological diversity the rio convention endorsed the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century so what is this agenda 21 agenda 21 is conference ka subse important uh, declaration tha isme tha ki ko sustainable development ko global level pe achieve kar तो ऑब्जेक्टिव था वी हैव टू कॉम बैक इन्वायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब हम सबको एक साथ मिलके ग्लोबल हर कंट्री को मिलके एक साथ इन्वायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी और डिसीज से एक साथ मिलकर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है एजेंडा ट्वेंटी वन वॉज प्लान ऑफ एक्शन कि अब हमें एक्शन लेने की जरूरत है इकोलॉजिकल क्राइसिस को डील करने के लिए इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हर लोकल पर्सन को हर लोकल सिटीजन को इन्वॉल्व करना है इसमें लोकल गवर्नमेंट्स को इंकरेज किया गया कि आप अपना लोकल एजेंडा 21 बनाइए कि क्योंकि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे जब हम हर एक इंसान देश का काम करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल लाइफ लिव करना स्टार्ट करेगा कि हमें अपने वाटर को एवरीडे लाइफ में कैसे सेव करना है तो हमें जो छोटे छोटे हमारे एक्ट्स हैं छोटे छोटे तरीके हैं कि जब हम टूथब्रश कर रहे हैं तो हमें टैप को ऑफ रखना है जब हम नहा रहे हैं तो हमें बकेट का यूज़ करना है राधा दिन शावर का तो ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है हमें ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं उनका यूज़ करना है तो जब हर एक सिटीज़न इन चीज़ों को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे सस्टेनेबल लाइवलीहुड को आ, अपने अंदर लेकर आएगा तभी हम एक नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकेंगे तो एजेंडा ट्वेंटी का यही एम था कि हमें हर सिटीज़न को हर इंसान को इस वर्ल्ड में एक साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है so now uh, to achieve this uh, resource planning is important to achieve the imbalance that is happening uh, with the access to resources तो so basically जो हमारा India है वो एक बहुत बड़ा country है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा diversity है diversity in the sense कि कुछ states हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये लोग ये वाले जो states हैं ये minerals और coal deposit में बहुत rich है अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्स अवेलेबल हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है राजस्थान में हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी है बट उनके पास वाटर रिसोर्स की कमी है कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में हमारा रिच कल्चरल हैरिटेज है बट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सम वाइटल मिनरल्स की कमी है तो हमारा कोई भी स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशेंट नहीं हो सकता तो हमारा इतना डाइवर्स जो हमारा कंट्री है इंडिया इसमें हमें हर इंसान के नीड को कैसे प्रॉपरली सेटिस्फ़ाई करना है कि हर इंसान के पास जिन जिस वाटर की जहाँ पर कमी है वहाँ तक वाटर कैसे लेकर जाएं या जहाँ पर मिनरल्स की कमी है वहाँ पे मिनरल कैसे पहुँचाया जाए तो हमें इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है जो हमारा नेशनल लेवल के गोल्स बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पे इससे रिलेटेड प्लानिंग की जाती है सो हाउ इज़ दिस रिसोर्स प्लानिंग डन इन इंडिया तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्वस सबसे पहले क्या करती है जो हमारी गवर्नमेंट है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है और uh, एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करती है इन्वेंट्री कैसे प्रिपेयर करती है कि वो uh, पूरे कंट्री में सर्वे किया जाता है कि कहाँ पर कौन से रिसोर्स किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में अवेलेबल है कहाँ पर हमारे पास ज़्यादा वाटर रिसोर्स हैं कहाँ पे हमारे पास नेचुरल रिन्यूएबल विंड रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल हैं या कहाँ पर हमारे कौन से मिनरल रिसोर्स अवेलेबल हैं जब ये सर्वे और ये मैपिंग हो जाती है तो हमारी जो कंट्री है जो गवर्नमेंट है वो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाती है कि हमें अब अप्रोप्रेट टेक्नोलॉजी चाहिए कि अब हम इन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करें और हम इन रिसोर्स को यूज़ कैसे करें हम इम्प्लीमेंट कैसे करें रिसोर्स डेवलपमेंट को तो इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं लोगों को स्किल्स सिखाई जाती है कि हमें जो ये रिसोर्स अवेलेबल हैं इनको यूज़ करने के तरीके क्या हैं हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए और उस अकॉर्डिंग हम इन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें थर्ड स्टेप होता है कि हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना होता है कि अगर गवर्नमेंट का एम है कि हमें अगले आने वाले पाँच सालों में इस एरिया में हर सिटीज़न के पास पानी होना चाहिए हर सिटीज़न के पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए या हर सिटीज़न के पास फूड uh, होना चाहिए तो जो गवर्नमेंट के एम होते हैं जो uh, उनका नेशनल गोल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को प्लान करते हैं कि हमें इन रिसोर्स को डेवलप करना है और इस इस एरिया में इस रिसोर्स को पहुँचाना है जिससे जहाँ पर जो कमी है वो पूरी हो सके और पूरे कंट्री का हर सिटीज़न अपने लिए सेल्फ सफिशेंट और जी. अच्छी लाइफ जी सके जी आकांक्षा मैम और हमने आज जाना रिसोर्स के बारे में आपने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और किस तरह से एजेंडा ट्वेंटी वन में क्या कुछ मेंशन है वो भी बताया कि किस तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से डील करते हैं मैं बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ने आज जानी मैम तो मैम क्या कुछ कोई होमवर्क भी देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को मैम यस सो जी मैम क्योंकि आ, आ, हमारा ये सेशन भी हमारा वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है तो हम चाहते हैं कि जो भी हमने आज पढ़ा आ, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ आ, हम होमवर्क दे देते हैं और बाकी आ, थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं उनको ठीक है मैम जी सो बेसिकली so, uh, जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्सली स्कैटर्ड uh, हैं इतने अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो कुछ एरियाज़ में ज़्यादा रिसोर्स हैं और कुछ एरियाज़ में ज़्यादा रिसोर्स होने के बाद भी वो बैकवर्ड रीजन्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ है झारखंड है दीज एरियाज़ हैव अ लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्स बट फिर भी ये एरियाज पुअर हैं जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरे रिसोर्स एरियाज जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ ये तब भी आ, रिच हैं तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन एरियाज के पास जो बैकवर्ड रीजन्स रह गए हैं उनके पास अप्रोपरेट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं हुए हैं टाइम के साथ सो नल शेयर विद यू सम होमवर्क आई हैव सेट सम होमवर्क सो दीज आर द फ्यू ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो Uh, you can write more about how you can use this resource conservation in your everyday life. How can you conserve resources in your everyday life? सो so, uh, बिल्कुल हम uh, चाहेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स uh, इस सेशन को देख रहे हैं वो जल्दी से नोट डाउन कर लें uh, और जल्दी से लिख लें इसको कहीं इस किसी कॉपी पे uh, ताकि वो इसको कंप्लीट करके हमें uh, भेज सके अपने फीडबैक भी ज़रूर भेजें मैम थैंक यू सो मच आप यहाँ आए और आपने बहुत ही डिटेल में हमें बताया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू मैम थैंक यू स्टूडेंट्स Dear students and learners, uh, we, uh, we are going to wind up this session. So, before winding up, we want to share uh, NCRT uh, textbooks related information. NCRT textbooks for 2023 24 are available throughout the country, and these textbooks may be purchased directly from NCRT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, and Guwahati. And these sale counters will be functional on all the weekdays, included gazetted holidays, Saturdays, Sundays, from 9.30 a.m. to 6 p.m. And you may also place order for the books online from our website ncrtbooks.ncrt.gov.in. And these books will be delivered at your doorstep without any delivery charges. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download it for free from the website uh, and NCERT Diksha e Parchala website and mobile app. So, dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. और इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र ही संपन्न होता है लेकिन आप जुड़े रहिए ई विद्या चैनल से क्योंकि अब से कुछ ही देर में एक और सत्र लेकर आपके समक्ष हाज़िर होंगे और ये सत्र होगा साइंस का क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए और चैप्टर क्या आप एक्सप्लोर करने वाले हैं तो आज आप जानेंगे चैप्टर टू इस मैटर अराउंड अस इज़ प्योर तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ज़रूर कनेक्ट कीजिए ई विद्या चैनल से और हमें दीजिए फ़िलहाल इजाज़त नमस्कार